एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक व्यूअर ने पूछा था आईपीआई कैसे कम किया जाए, जैसे अपना आईपीआई कैसे कम से कम लाएंगे वो देखना था। तो उसके लिए देखो कैसे करना, पहले तो ये समझिए आईपीआई क्या होता है। आईपीआई क्या होता है, इम्परफेक्शन इंडेक्स पर किलोमीटर। मतलब एक किलोमीटर धागे में समझ लो कितना परसेंट, -50% मास अपयान है, मतलब थिन प्लेसेस है। मतलब समझ लो ये धागा है तो इसका आधा से जो कम डाया का रहेगा तो वो -50% में आएगा, और इसी का जैसे यान का 1.5 गुना साइज का रहेगा डायमीटर तो +50% बोला जाएगा। ठीक ये रहेगा तो +50% थीन रहेगा, -50%, और नेप्स जो रहेगा +200%। नेप्स होता है जो आपको पहले भी बताया एक बार, मतलब घोड़ा टाइप का बन जाता है धागे में, पूरा ऊंचा जैसा दिखता है, तो वो 2 गुना मतलब 200%, मतलब यार्न डाया का 2 गुना हो गया तो नेप्स में आएगा। ये तीन चीज को अपन अगर जोड़ते रहेंगे, ये तीनों चीज को अगर जोड़ देंगे, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितना ये सब पॉइंट आया, ये अगर जोड़ देंगे इसको आईपीआई बोलेंगे। और आईपीआई जितना कम रहेगा यान का अपीयरेंस, कपड़े का अपीयरेंस सब बढ़िया रहेगा, और वो कपड़ा बढ़ने का बाद आईपीआई कम वाला जो रहता है उसमें आपकी आईपीआई कम रहेगा तो नीडल में कम ब्रेकेज होगा, नीटिंग में, वीविंग में ब्रेकेज कम होगा, हर जगह आपकी वेस्टेज कम निकलेगा, ऊपर से क्वालिटी बढ़िया रहेगा। तो आईपीआई कम वाला धागा हर कंपनी वाला मांगते हैं कि हमको आईपीआई कम वाला दो। तो आईपीआई कम कैसे करना है, सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है यूज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। कॉटन का क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। जब कॉटन सिलेक्ट करते हो इसको पूरा टेस्ट करके लीजिए, मॉइस्चर चेक कीजिए, उसका नेप्स कितना चेक कीजिए, लेंथ, स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी, ये सारी चीज चेक करके ले लेगा। अगर कॉटन अगर आपने शुरू से खराब वाला ले लिया, समझ लो आपने 100 टन कॉटन खरीदा, आपने एचपीआई टेस्ट किया, एचपीआई में समझ लो 2-4 बेर खराब निकला, तो इसको कभी भी कोशिश नहीं करना डालने के लिए, इसको आप छाट कर रख लीजिए, ओपनेंट प्लांट में दे दीजिए। तो उसपे क्या होगा, अगर आपकी कॉटन क्वालिटी बढ़िया रहेगा, बोले देखो पैसा दे के खरीद रहे हो कॉटन तो खराब कॉटन क्यों लड़ा, जैसे आपकी मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो घोड़ा बन जाएगा, नेप्स बन जाएगा, मॉइस्चर ज्यादा रहेगा वो भी नेप्स बढ़ जाएगा, और मॉइस्चर भी 8% से नीचे लड़ेगा, मॉइस्चर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8% से नीचे लड़ेगा, और कॉटन का क्वालिटी पैरामीटर पूरा चेक करके लड़ेगा। मेरा जो वीडियो एक बार देख रहा, कॉटन प्रॉपर्टी के बारे में बना था सबसे पहला वीडियो, इसको देखेगा, कॉटन में प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज अपन को चाहिए वो मालूम पड़ेगा। उसके अलावा ऑफिस और एचपीआई वो भी पढ़ लोगे, आपको कॉटन सिलेक्शन के लिए आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगा। उसके बाद देखो डू ऑफिस ऑफ ब्लोरूम एंड कार्डिंग फॉर नेप्स शॉर्ट फाइबर कंट्रोल। तो ऑफिस टेस्ट करा दोगे प्रोसेस में ब्लोरूम कार्डिंग का, आपको मालूम पड़ जाएगा भाई अपना इसमें नेप्स नेबुल कहाँ है, क्या है और कहाँ का अपना नेप्स बढ़ रहा है या शॉर्ट फाइबर बढ़ रहा है, उसका गेज में अपन को सुधार करा है, गेज टाइट करा है, या कहीं स्पीड ज्यादा है नेप्स बढ़ा है, नेप्स स्पीड कम करे, जो भी कम ज्यादा करना, गेज बढ़ाना घटाना, वो ऑफिस टेस्ट करोगे तो आपको क्लियर हो जाए। ऑफिस वाला वीडियो मेरा एक पहले बनाया हुआ, इसको देखेगा आपको इसके बारे में डिटेल मालूम पड़ जाएगा। डू स्टैंडर्ड सेटिंग इन ऑल एरिया आज पर फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ के हिसाब से आप हर जगह का स्टैंडर्ड सेटिंग रखो भाई, जो फाइबर अपना जैसे 30 mm का ले उस हिसाब से ट्रेन में क्या गेज रहेगा और सिंपलेस में क्या रहेगा, रिंग फिर में क्या, उसी हिसाब से आप स्टैंडर्डाइज करके रखना, गेज में कभी छेड़छाड़ नहीं करना। ट्राई टू कीप रैपिंग फाइनर साइड इन ब्लोरिंग कार्डिंग ड्रॉप एंड सिंपलेस। ये ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज है आईपीआई कम करने का, अपना प्रिपरेटरी सेक्शन का, जैसे ब्लो रूम में आप लैप बना रहे हो, हैंक कम रखना, मतलब फाइन साइड रखना,
गाड़ी में स्लाइबर हैंग का कम रखना। समझ लो गाड़ी में आप 40 काउंट बना रहे हो और आप सोचो कि मैं 0.110 में बढ़ा लूंगा, तो उसमें कभी आपके आईपीआई कम नहीं आएगा। 40 काउंट बना रहे हो कम से कम 140-150 आपको रैपिंग रखना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करना फाइनल साइड रहे, रैपिंग कोर्सर साइड ले जाए। ड्रॉप एंड सिंपलेस में भी ऐसे ही है, रैपिंग फाइनल साइड रहेगा, फाइबर ओपनिंग बढ़िया रहेगा, नेप से रिमूव हो जाएगा और आपके ट्रास रिमूव हो जाएगा, सब क्लियर रहेगा, तो आपकी वर्किंग अच्छा रहेगा, आईपीआई भी कम रहेगा। कीप यूनिलैप ग्राम पर मीटर ऑन लोअर साइड, फीड पर लिप लोअर साइड। ये जो फीड पर लिप होता है ये कुंभर का है। जैसे अपन समझ लो एक एक्सपोर्ट वाला मटेरियल चला रहे, तो उसमें क्या करना आपको, यूनिलैप का ग्राम पर मीटर आप हालांकि 75-80 ग्राम चला लेते हो, मैं बोला एक्सपोर्ट वाला मटेरियल चला रहे आप 60-65 ग्राम पर मीटर रखो आईपीआई कम लाने के चक्कर में। और फीड पर लिप जो होता है ये सबसे मिनिमम 4.2 का रखो, मतलब कम से कम रखोगे तो जो अपना लैब जो जाएगा इतना ट्रांसपेरेंट दिखेगा, इतना पतला दिखेगा, उसमें आराम से कुम्बिंग सेक्शन में कुम्बिंग हो जाएगा, नेम्स वगैरह पूरा हट जाएगा, बढ़िया आईपीआई लाने के यही एक तरीका है। और देखो ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग ऑफ ड्रॉप एंड सिंपलेस रिम फ्रेम परफेक्टली, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। ड्रॉप फ्रेम में और सिंपलेस में रिम फ्रेम में ड्राफ्टिंग जोन बराबर सफाई रखे, टॉप रोल का 2-2 घंटा में सफाई रखे और रिम फ्रेम का भी जोड़ा सफाई रखे, लिक मिस करके जोड़ा डाले और कार्ड्स वगैरह भी चेक करें, जैसे ड्रॉप फ्रेम कार्ड, सिंपलेस कार्ड, रिम फ्रेम बीच बीच में इसको चेक करें, कोई कटा हुआ कार्ड्स नहीं है, कोई प्रेस्ट वाला कार्ड्स तो नहीं है, अगर प्रेस्ट वाला कार्ड्स होगा कट्टा वाला होगा इसको तुरंत चेंज करने का, नहीं तो वही फिर आपके आईपीआई बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, आईपीआई बढ़ा देगा। फिर देखो रिम फ्रेम सिंपलर ड्रॉप फ्रेम बटन रोल गेज एंड सैडल गेज एज पर फाइबर। ये जो रिम फ्रेम का मतलब बटन रिम फ्रेम ड्राइंग सिंपलेस का बटन रोल गेज सैडल गेज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए फाइबर लेंथ के हिसाब से, वो नहीं रहेगा फिर दिक्कत जाएगा आपके आईपीआई का भी कंट्रोल है। सबसे कम ये कोशिश करना ये जो बटन रोल गेज है कितना मिनिमम तक जा सकते हो वो करना पड़ता है, तब जाकर आईपीआई कंट्रोल होगा, ज्यादा वाइड रख के कोई आईपीआई कंट्रोल नहीं होता। टीएम टू कीप लो एज पॉसिबल, टीएम हमेशा कोशिश करें कम से कम रखे, जितना कम रखेगा टीएम उतना आईपीआई कम आएगा और टीएम ज्यादा होगा तो आईपीआई बढ़ जाएगा। नॉमिनल काउंट टू कीप लोअर साइड, जो अपना स्टैंडर्ड रैपिंग समझ लो अपने 40 काउंट बना रहे हैं, अब मतलब 39.5 से 40.2 तक चाहिए, तो 39.5 से अगर आपको अलाउड है तो 39.6 रखो, 5-5 रखो या 39.5 रखो, तो उसमें भी आईपीआई आपकी कम आएगा, बिल्कुल 40.2 कर दोगे तो आईपीआई आपकी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपन आईपीआई कैसे कम करेंगे उसका ही चर्चा कर रहे थे, और एक चीज भी एक डिपेंड करता है, देखो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइज एंड प्रोफाइल ऑफ रिंग ट्रैवलर, रिंग ट्रैवलर का कौन सा साइज का डालना है, कौन सा प्रोफाइल का डालना है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिलेक्शन करके बराबर साइज का बराबर प्रोफाइल का डालना, नहीं तो आईपीआई यही पढ़ाता है उसमें मदद करेगा। क्लीनिंग अप डिपोजिशन ऑफ ऑल मशीन, अगर आप सिंथेटिक फाइबर चलाते हो मैन इसमें ओल्ड आयरन वाला पॉलिएस्टर रखते हो तो डिपोजिशन के कारण भी फाइबर चिपक चिपक के आएगा, वही चीज फिर कट और फ्लाई जैसा फाइबर निकलेगा वो आगे भी ऐसे ही जाएगा और डिपोजिशन के कारण आईपीआई बढ़ जाता है। और मैचिंग अप सीपी बैकवर्ड बीडी सीपी इन ऑल एरिया, आप देखो ड्राइंग में हो सिंपलेस में हो रिम फ्रेम में हो अपना जहाँ पे बार बार अपन चेंज करते हैं सीपी बैकग्रू चेंज करते हैं या बीडीसीपी चेंज करते हैं, जहाँ चेंज करते हैं कभी कभी आपने समझ लो आपने दे दिया 20 रिम फ्रेम का सीपी बैकग्रू करो, तो रनिंग फिटर के अनपढ़ आदमी फटाफट गया पाना लेके खींचा वो लगाते गया, वो इसको टाइम नहीं दिया बराबर मैचिंग बिठाया, बराबर मैचिंग नहीं बिठाएगा कभी टाइट रहेगा कभी लूज रहेगा और वो झटका मार के चलेगा, टाइट रहने से लूज रहने से दोनों ही अपने लिए खराब है, वो दोनों के कारण आईपीआई बढ़ता है, झटका मार के चलेगा जर्क दे के चलेगा तो आईपीआई बढ़ाएगा, तो ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीपी बैकवर्ड बीडीसीपी जब चेंज करते हो
बड़े ध्यान से चेंज करे, रनिंग फिटर को समझा के रखे, बार बार मैचिंग करके करेगा। टाइट मैचिंग या ढीला मैचिंग दोनों ही खराब है। ड्राफ्टिंग जोन एयर प्रेशर टू मेंटेन एज पर स्टैंडर्ड। ड्राफ्टिंग जोन में भी एयर जो चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, उतना होनी चाहिए। समझ लो आपने कम ड्राफ्टिंग प्रेशर में आप रिम फ्रेम चला दिया, तो उसमें चला लोगे तो क्या होगा, लॉन्ग थिन प्रेशर चला जाएगा, फिर लॉन्ग थिक भी आ जाएगा। प्रेशर कहीं ज्यादा हो गया प्रॉब्लम है, कम भी होगा प्रॉब्लम है, और प्रेशर ज्यादा होगा पाइप फट जाएगा, और कम होगा तो लॉन्ग थिन का फॉल्ट आ जाएगा। तो ड्राफ्टिंग जोन का प्रेशर हर जगह का चेक होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। डू नॉट एड मोर वेस्ट इन मिक्सिंग, फिक्स स्टैंडर्ड। वो जो जैसे अपना रनिंग मटेरियल वेस्ट डालते हैं, अपन फिक्स करके 2.5% वेस्ट डालेंगे या 1.5% डालेंगे, तो उतना फिक्स करके रखना। ऐसा नहीं कभी मर्जी हुआ 1.5% डाल दिया, कभी 5% डाल दिया, कभी 10% डाल दिया, तो वेस्ट का वेरिएशन के कारण आपके आईपीआई बढ़ जाता है। कंडीशनिंग ऑफ मिक्सिंग मस्ट मेंटेन। ये चीज ध्यान रखना, जहां पे अपन सिंथेटिक मटेरियल चला रहे हैं, अगर अपन तेल पानी यूज कर रहे हैं या मिलान चला रहे हैं उसमें तेल पानी यूज कर रहे हैं, कंडीशनिंग टाइम अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे, जैसे अपन मिक्सिंग चालू करके दे दिया, मतलब तुरंत ही हुआ और तुरंत लाइन में डालना चालू कर दिया, तो ऐसे करने से क्या होगा, उसका अंदर जो पानी होता है, तेल होता है, बराबर मर्ज नहीं होता, और वो कहीं मॉइस्चर ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। जहाँ मॉइस्चर ज्यादा होगा वही नेप्स बन जाएगा, वही नेप्स बन जाएगा, तो आपको फिर आईपीएल में इसका फर्क आ जाएगा, नेप्स दिखेगा। फिर देखो वॉपिंग फ्रीक्वेंसी इन ड्रॉप एम सिंप्लेक्स रिम फ्रेम टू मेंटेन। जो ड्रॉप एम सिंप्लेक्स रिम फ्रेम का जो वॉपिंग शेड्यूल है, कितना दिन का बाद वॉपिंग होना है, वो वॉपिंग बराबर करते रहिए, नहीं तो जोड़ा में कहीं कट मार्का होगा, दाग होगा, कहीं प्रेस्ट होगा, तो मटेरियल चल जाएगा, तो आईपीआई बढ़ा देगा। अंडर साइज कट्स रिप्लेस्ड, डू नॉट डिले फॉर इट। अंडर साइज कट्स मतलब समझ लो आपकी 30 mm का कट्स का साइज है, आपकी जोड़ा कहीं 27 का हो गया, कहीं 26 का हो गया, 26.5 हो गया, तो कभी 30 और 26.5 ऐसे करके नहीं लगाना। जैसे अपन समझ लो ड्राइंग में अपन 40 mm का कट्स लगाते हैं, तो 40, 35, 36, फिर 40, ऐसे तीन प्रकार के नहीं लगाना। लगाने से क्या होगा, जब आप आर्म दबाएंगे तो कहीं दबेगा, कहीं दबेगा नहीं, उठा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या, जो मटेरियल पास करेगा वो कट माल निकलेगा और उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए जोड़ा जो अंडर साइज हो जाएगा तो इसको तुरंत रिप्लेस कर दीजिएगा, नहीं तो रिम फ्रेम में जैसे समझ लो आपकी कभी 30 mm का लगता है ना, 26.5, 27 हो गया, तो इसको पीछे की जोन में लगा दोगे चल जाएगा, लेकिन अगर फ्रंट में रहेगा वो चल के नहीं देगा, बिल्कुल क्वालिटी का सत्यानाश करेगा। कोशिश करो पतला हो गया जोड़ा तो निकाल के इसको डिसमाउंटिंग करवा दो। फिर एनआरई ऑफ कार्डिंग एंड कोम्बर टू मेंटेन। ये देखो एनआरई ऑफ कार्डिंग एंड कोम्बर, उसमें नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी कितना कम है, किसमें ज्यादा है, जो कम है वो कार्ड को अटेंड करे या कोम्बर को अटेंड करे, वेयर ट्यूब है तो वेयर चेंज करे, उसमें आईपीआई आपकी कम आएगा। अगर खराब कार्ड वायर होगा, खराब कुंभर का वायर होगा, तो आईपीआई बढ़ा देगा। डफर स्ट्रिपिंग विथ पेट्रोल। डफर का स्ट्रिपिंग पेट्रोल हमेशा 2-3 दिन में कर देने का। और फ्लैट क्लीनिंग बाई एयर। फ्लैट जो होता है, फ्लैट जैसे अपन कटर में देखो, फ्लैट जब चलता है ना उसमें माइक्रो डस्ट भर जाता है, माइक्रो डस्ट भर जाता है, वायर सब जाम हो जाता है, उसका अंदर से फाइबर क्या कुंबिंग करेगा, उससे कंगी मतलब वायर की अंदर ही कचरा भर गया। तो इसको हम क्या करते थे, फ्लैट वाला जो आगे का सिलेंडर का ढक्कन उठा देने का और एयर प्रेशर में पूरा ऐसे ऐसे मार देने का, वो सब मिट्टी उड़ जाएगा अंदर से, बहुत क्लीन हो जाएगा, उसमें ही नेप्स कम आएगा। और इसके अलावा देखो और एक टिप्स देता हूँ, जैसे आपकी बारिश का मौसम है, हर जगह मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आप ब्लोरूम कार्डिंग ड्राइंग सिंप्लेज हर जगह आप हीटिंग लैम्प लगाना। हीटिंग लैम्प लगाएगा तो माल के अंदर जो नमी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, वो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो आपकी आईपीआई लेवल बढ़िया आएगा, कम आएगा। अगर वो रहेगा तो आईपीआई ज्यादा आएगा। और आईपीआई एक ध्यान रखना, अपना आईपीआई समझ लो एक मटेरियल में 100 आ रहा है, अपन वाईसीपी करेंगे तो 150-160 आ जाएगा, लेकिन वाईसीपी करने से बढ़ जाता है जरूर, लेकिन उसमें क्वालिटी सही रहता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आता, ट्विस्ट का ट्विस्ट थोड़ा उसमें खुल जाता है, मर्ज हो जाता है। तो ये सब चीज रहा हाउ टू रिड्यूस आईपीआई। तो आईपीआई अगर कम रहेगा बहुत फायदा है। आप आईपीआई का वीडियो इतना में मैं रुकता हूँ,
और आप लोग वीडियो देखने के बाद मेरा लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।